गुड नाइट। अभी मैं आज मैं रात से वीडियो बना रही हूँ। अभी रात को 12:10 का मैं इसके लिए चलिए अभी मैं कांदा बिरस्ता कर लूँ, क्योंकि कल मेरा लड़का का बर्थडे है। इसके लिए बिरयानी के लिए कांदा बिरस्ता कर रही हूँ। कांदा बिरस्ता हो रहा, क्योंकि हम लोग रात को ही बिरयानी का मसाला सब बना के रख देंगे और सुबह खाली बिरयानी बनाएंगे। इसके लिए कांदा बिरस्ता करके लो। फिर क्या क्या ये कर रही दिखा रही, देखिए वो क्या है। अब थोड़ा होएगा तो फिर हो जाए लाल 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 करके फ्राई करके लेंगे। चलिए होते दीजिए इसको, फिर देख हो गया मेरा बिरस्ता बना के। अब इसको उठा लूँ। ये वीडियो आज से लेके कल तक चलेगा। ओके मैं उठा लूँ, फिर मेरा दूसरा बिरस्ता के लिए दूसरा कांदा रख दी। अब ये होएगा तो ये बटाटा फ्राई करने का। देखिए बटाटा पड़ा है, ये फ्राई करने का। आलू उधर सब बर्तन पड़ा है, सब लड़कियाँ भी धोएंगे, सब धो धा के सोएंगे। बर्तन सब पड़ा है, बर्तन खाना खा के हो गया हम लोग का। और 12 बजे नहीं है, अभी सब करके रख के सोएंगे। बिरयानी का मटन, एक मिनट बाकी है, मटन चाहे चिकन दोनों जिसका ही बिरयानी बनाएंगे वो रात को भिगा के रखने का और सुबह उसको बनाने का, जब मर्जी तब बनाने का। तो कैसा उसमें मसाला उसला भी अच्छे से घुसता है मटन या चिकन में, और अच्छा बनता भी अच्छा है और उसका खुशबू भी अच्छा है। इसके लिए हम लोग रात को ही मैं करके रखती हूँ। चलिए फिर देखा, ये मेरा बिरस्ता हो गया पूरी। देखिए बिरस्ता हो गया, सब बिरस्ता बना लिया। अभी ये बटाटा डाली फ्राई करने के। अब बटाटा फ्राई होगा, फिर उधर मटन में सब डालेंगे बाद में। अब देख लीजिए रात को 12 बज गया। ये देखिए चटनी अभी तक खा ली है, चटनी खाना खा ली है। और अभी हो रहा है उधर अंधेरा है। देखिए मेरा बिरयानी का बटाटा भी फ्राई हो गया तेल गर्म है। अभी चलिए मसाला मिलाओ बिरयानी का, क्या बोलते हैं उन्होंने। देखिए मेरा बिरयानी का मटन में मैं मटर ये बिरयानी मसाला डाल दी और टमाटर डाल दी। ये बिरयानी मसाला है, ये सुहानी बिरयानी मसाला डाली। आप डालेंगे दही डाल थोड़ा सा, दही में अपने लिए भी बचा लो। बस 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 अरे रे हाँ। अब इसमें डालेंगे मैं तेज पत्ता। प्यार आप डालेंगे बिरस्ता, बिरस्ता मतलब बता दो कांदा फ्राई मालूम। मैं सब नहीं डालेंगे, थोड़ा रख देंगे कल के लिए, इतना सी कल डालेंगे। वो बटाटा लाओ तो अब उसमें जाएगा ये फ्राई किया हुआ बटाटा, फ्राई करके रखे वो बटाटा। और जाएगा हल्दी, ये हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो हल्दी हल्दी हो जाएगा। ये अभी हम लोग रात को ही बना के रख लूँ, सुबह अच्छा गिरेगा, सुबह तक ये पूरा मटन उटन पक जाएगा। नमक स्वाद अनुसार नमक डालने का, बस हो जाएगा गरम मसाला ला। चल अब डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर
थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो तिक्का हो जाएगा तो फिर खा नहीं पाएंगे। बर्थडे जिसका, अरे देखिए गरम मसाला, दालचीनी, एस्टर फूल, छोटा इलायची, लौंग, काली मिर्च और बड़ा इलायची, ये सब डाल देंगे। बड़ी इलायची अच्छी डालेंगे हाँ, क्योंकि ये जो बिरयानी मसाला है ना, ये मसाला इसमें सब मिक्स रहता है, इसके लिए वो कम डाली। अब डालेंगे इसमें नींबू निचोड़ के एक दो, फिर तेल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर दो चम्मच, बराबर पकड़ कैसा पकड़ती है, ओ इसी पकड़ती है। और डालेंगे दो नींबू का रस, अक्का नींबू दो निचोड़ के उसका रस डाल देंगे। ये काल बनाने का, इसके लिए आज से तैयारी करके रख लो रात को, ऐसा आप लोग भी बना के रखने का रात को ही तो अच्छा रहेगा, उसमें मसाला वसला बराबर घुसता है। इसमें एक नींबू का बिया गिरा उठा लो, चम्मच चाहिए। आप डालेंगे तेल, इतना तेल पूरा डाल देंगे। तेल तो दिखा पूरी, अब इसको मिक्स कर लेंगे। मैं हाथ से मिक्स करूं, मेरे को इससे नहीं जम रहे, हाथ से मिक्स कर लो। खुशबू आने लग गई अभी से बिरयानी को, मतलब अभी खुशबू में अगर उसका पेड़ भर जाए तो फिर क्या करेंगे। मैं कल खाने का जरूरत नहीं, तेरा खाना कोई गरीब को दे देने का। सब कुछ वही फीड हो जाएगी। अब इसको मैं हाथ से मिक्स करके लेंगे अच्छा से, क्योंकि सब मसाला घुसना चाहिए, दही भी सब, चम्मच से नहीं जम रहा मेरे को, इसके लिए मैं हाथ से करके ले रहा हूँ। देखिए मेरा हो गया मिक्स, अब इसको ऐसे ही रख देंगे ढक के बाहर ठंडी जगह में। इधर 1.5 किलो मटन है ना, हाँ 1.5 किलो मटन है, और बटाटा रहेगा 1/2 किलो तक रहेगा, 1/2 किलो तक बटाटा और 1.5 किलो मटन, सोच लीजिए पूरा 2 किलो। और इसमें चावल में कम डालेंगे, क्योंकि हम लोग का घर में नहीं तो बिरयानी बहुत बच जाता है, हर बार ही तो हर बार बच जाता है, बोल के इस बार चावल कम डालेंगे। कितना चावल लगेगा इसमें, 2 किलो इसमें 1 किलो चावल, 1 या 1.5 किलो, मेरा पास 1 किलो से कम है चावल, देख लीजिए मेरा पूरा। ये देखिए मटन बिरयानी का तैयारी हो गया, अब मैं कल आप लोग से कल सुबह मिलेंगे, अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर स्वीट ड्रीम, फिर कल सुबह मिल रही हूँ, अभी से खुशबू आना चालू हो गया।
बिरयानी बनाना है, बिरयानी खुशबू आ रही। चलिए फिर कल मिल रहा आप लोग का सर, बाय। अभी मेरा हाथ में मसला है, खिला लो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। और आप लोग सब कैसे हो? अच्छे ही हो? और अच्छे से रहने का हम लोग भी अच्छे। आज हम क्या बनाने, सब काम हो गया क्योंकि मेरी लड़की को शायद सेकंड डोज लेने जाना पड़ेगा। अभी तक हुआ नहीं है, गया था कल सेकंड डोज लेने कल्याण बेस्ट में, तो उधर जाके देखा लेकिन था, दिया नहीं। बोलता 20 बच्चा नहीं होएंगे तो नहीं देंगे, इसके लिए उसको नहीं दिया। आ गया क्योंकि 4-5 बच्चे लोग को तो नहीं दे सकता ना, 4-5 बच्चे लोग की था। उन लोग बोल रहे हम लोग के पास डोज पड़ा है लेकिन वो खोल देंगे तो खराब हो जाएगा आप लोग को देने के बाद। 20 बच्चा होएंगे तो 20 बच्चे लोग का डोज था इस, तो नहीं हुआ। अभी देखिए कब जाता है। तो चलिए आज स्पेशल रेसिपी आ रहा है हम लोग का जिंदगी का स्पेशल दिन, जो है मेरा बेटे का बर्थडे। आज उसका बर्थडे तो आज उसका ही सब फरमाइश का खाना बनेगा, क्योंकि लड़की का फरमाइश का हो गया। लड़की का 31 जनवरी का बर्थडे आता है और लड़का का 5 फरवरी का, दोनों का 5 दिन का फर्क है। और उसके लिए उसका क्या खाना, उसको बिरयानी चाहिए, उसको पानी पूरी चाहिए, केक चाहिए, सब चाहिए उसको। लेकिन उसको बोलूँ क्या बोलूँ, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। फिर भी उसका पापा बिरयानी का ये किया, कल रात को ही मैं सब मसाला वसला मिक्स करके बिरयानी का ला बना के रख दी, आप लोग को देखा ही नहीं। और उसमें थोड़ा सी गलती हो गया, जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डालना देखा नहीं, आप लोग को भूल गई, मैं आखिरी में डाल दी उसको। याद है जब आप लोग का देखा दी वीडियो बना ली, उसके बाद याद आया अरे अदरक लहसुन का पेस्ट तो डाल ही नहीं मैंने, फिर डाली तो उसका वीडियो नहीं बना पाई। अभी बोल दी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाली, नहीं तो कमेंट करके कोई भी बोलेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाले, डाल ली बाद में, वो उसका वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए क्या बना रही देखा रही आप लोग को, और मैं बिरयानी कैसा बना तो अच्छा बुरा जो भी है आप लोग कमेंट करके बोलने का, अच्छा बना तो अच्छा बुरा बना तो वो भी बोलने का। चलिए देखा रही, और घर के काम हो गए देखा रही। देखे झाड़ू उड़ू लगा के हो गया, और उधर मेरा बेटा का चॉकलेट पड़ा है वो अभी सबको देने का, और वो सब ये, और इधर नाश्ता पड़ा है जो अभी वो आके नाश्ता करेगा वही, और बाकी सब काम हो गए। ये देखिए आ गया बर्थडे बॉय, इसका बर्थडे आज। कुछ तो बोल, मेरा बर्थडे के दिन मेरे पे एक गलती, जिसको मैं काय गलत थी चल, ये गलती है जो मैं समोसा आने को गया था थी, समोसा वाला को पैसा देना ही भूल गया, आ गया लेकिन आप, पैसा दे के आया, अभी जाके दे के आया, जैसा याद है वैसा ही। और आप लोग इसके लिए दुआ कीजिए, ये जाते अच्छा इंसान बने, बड़ा हो के हम लोग का नाम रोशन कर पाए, इतना ही। ये देखिए चलिए अब देखिए, ये देखिए कल का बिरयानी मसाला, जो बिरयानी का मटन में सब मसाला वसला मिक्स करके रखे, कितना तेल छोड़ दिया देखिए। अभी इसको बैठाओ थोड़ा मसाला को, और मटन को पकाने के लिए चलिए। और चावल बैठा वो भी देख लो आप लोग को। अभी मैं पानी में डाल देंगे गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ा इलायची, छोटा इलायची, और थोड़ा सी साइज रहता और। अब इसमें डाल देंगे मैं 1 चम्मच नमक। भाई गिर गया, अरे मैं पानी निकाल रहा हूँ, अरे फिल्टर गिर जाएगा बाबा। अब 1 चम्मच तेल डाल देंगे, तेल डालेंगे तो चावल छुट्टा छुट्टा पकेगा, इसके लिए तेल डाल दी। अब इसको बॉयल आने तक छोड़ देंगे, तब तक मैं चावल को धो लूँ, फिर देखा लूँ। ये देखिए चावल, ये बिरयानी की चावल, इधर 1 किलो से थोड़ा कम है। अब इसको धो लूँ फिर बाद में देखा लूँ आप लोग को चावल। आए। मैं ऊपर से बॉयल आए कुछ हैप्पी बर्थडे, थैंक यू हैप्पी बर्थडे। ए रे मैं बोला, मैं बोला ना थैंकू, कैसे बोलते हो कैसे बोलते हो?
देखिए मैं चावल धो ली, धोकर भिगा कर रखी, ये पानी फेंक के फिर बॉयल बैठाएंगे। दोनों में आया मेरा चावल, दोनों ही धोकर रख दिया, अभी बाद में फिर ये करेंगे, पानी बॉयल होए फिर कर ली। तब तक मैं मेरी झाड़ में पानी डाल के आओ, ये चावल की जो पानी है ना ये मैं झाड़ को दे के आओ, फिर देखा रुक चले। अभी तक पानी बॉयल नहीं हुआ, ये बॉयल हो रहा है, इसको पकड़े चले फिर बाद में। पानी बॉयल हो गया, अभी चावल दे दूँ मैं, पानी बहुत बॉयल हो गया, मैं गैस सोलो कर लूँ ले के दूँ, नहीं तो हाथ में जलने का डर रहेगा। मैं पूरी चावल डाल दूँ फिर आप लोग को जब चावल बनने के बाद दिखा लूँ कितना परसेंट पकाने का। चलिए, और मैं पुदीना और धनिया साफ कर ले डालने के लिए, इधर पुदीना है और ये धनिया पत्ता है, डालने के लिए साफ कर लूँ फिर देख लूँ बिरयानी में डालेंगे। सर चलिए फिर आप लोग से बाद में देखा रही, मेरा चावल हो जाने दीजिए फिर देखा। देखिए मैं सोलो गैस में इसको पका रही, देखिए इसमें से कितना ये छोड़ा, पानी छोड़ रहा है धीरे धीरे, फिर पानी जब सूख जाएगा ना तब ये पड़ेंगे। अभी इसको ऐसे ही पकाते रहने का, पानी छूटेगा पूरा, फिर पानी सूखेगा तो फिर मैं चावल डालेंगे। और मैंने इसमें कल आप लोग को जब देखा रही थी ना, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना ही भूल गई थी, मैं बाद में डाल दी थी, याद आया बाद में मैं डाली। वो वीडियो में आप लोग देखेंगे, वीडियो में नहीं दिखाई देगा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके लिए सॉरी, मैं बाद में डाल दी, सुबह डाला गया क्योंकि वो सुबह डाले मैंने भूल गई थी, इसके लिए मैं सुबह डाली, आप लोग रात को ही डाल देने का। हाँ। वो मैं भूल गई थी इसके लिए, वो इधर नीचे पड़ा था ना, मैं कल घाई घाई कर रही थी, उसका पापा को सोने का था, बहुत रात हो रहा था, इसके लिए वो गलती से दिमाग से उतर गया। आप लोग डाल के लेने का रात को ही, मैं सुबह डाली इसके लिए अभी उसको ये कर रही, और आप लोग रात को ही डाल लेने का अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए मैं ये सब साफ कर लूँ फिर मिल लूँ। देखिए मैं पुदीना में से थोड़ा पुदीना इसमें दे देंगे, पुदीना और इतना ही देंगे, इतना मैं बाद में देंगे थोड़ा सी, और एक कोतम्बीर काट के देना पड़ेगा, एक कोतम्बीर थोड़ा सी आप भी देंगे, थोड़ा ऊपर से डालेंगे। आप लोग सोचेंगे आंटी ऐसा कैसा बिरयानी बना रहा है, पुदीना डाल रहा है, ये डाल रहा है, ऐसा डाल के देखने का, खाने में बहुत टेस्टी बनता है। अब इसको ज़रा हिला दूँ मैं, ऐसा पुदीना उदीना डाल के बना के देखने। देखो मैं ढक ढक के पक कर रही हूँ, तो कैसा मेरा मटन भी पक जाएगा, फिर दम में लगाएंगे तो एकदम पक जाएगा। इसके लिए चलिए फिर ढक दूँ, फिर देखा रही हूँ आप लोग को।